देवी जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लड़कियां बड़ी होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, लेक्चरर आदि बनना चाहती हैं, आपके दिमाग में ये कैसा आया या इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि आप भगवत कथा के क्षेत्र में जाएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने कोई सोच समझ के या कोई प्लान करके इस चीज़ को नहीं अपनाया है। मैं अक्सर कहती हूँ कि कथा ने मुझे चुना था, मैंने कथा को नहीं चुना, क्योंकि उस समय मेरी आयु चुनने योग्य भी नहीं थी। 7 वर्ष की आयु में मैंने भागवत पहली आरंभ की, तो मुझे नहीं लगता। कई लोग कहते भी हैं ये आपका करियर है, ये आपका काम है, लेकिन ना मैं इसको अपना करियर मानती हूँ, ना अपना फ्यूचर मानती हूँ। ये एक सेवा है जो मैं समाज के लिए, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी के लिए कर रही हूँ। मेरी कथा समाज के लिए तो है ही है, लेकिन सबसे पहले मेरे अपने जीवन और भगवान के लिए है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आज के क्षेत्र में ऐसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि हम अध्यात्म की ओर बढ़ें, तो अच्छा है, हर माँ बाप को उसको सपोर्ट करना चाहिए इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, एक बात और है कि कई लोग, हमने सुना है सोशल मीडिया के मार्फत और तमाम प्लेटफॉर्म पे, कि लोग ये विरोध करते हैं कि महिलाओं का व्यासपीठ पे बैठना उचित नहीं है, धर्मानुकूल नहीं है, तो इस बारे में कुछ कहना है आपने? देखिए, मैं इस पर विशेष कभी ना तो मैंने आज तक टिप्पणी की है, बस मैं इतना ही निवेदन करती हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान नाम प्रचार करने का अधिकार सभी को है। भागवत में अनेकों प्रमाण हैं, भागवत में भी स्पष्ट लिखा है, भागवत के 12वें स्कंद में, जहाँ स्वयं माता लक्ष्मी जी वक्ता के रूप में उन्होंने 2 महीने तक भगवत कथा सुनाई है। और मैत्री, गार्गी, अनुसुईया, इस देश में बहुत सारी ऐसी माताएं हुई है, उड़िया माता हमारे श्रीधाम वृंदावन में, तो ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जिन्होंने समाज को एक अच्छे दिशा की ओर लेकर के गए हैं, और आज समाज वैसे भी आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो कभी, देखिए, तर्क में मैं विश्वास नहीं रखती, मैंने कभी भी किसी विषय को लेकर तर्क नहीं किया है, और इस विषय को भी लेके मेरा बस इतना ही निवेदन है, अगर आपकी रुचि है तो आप सुनिए, अगर आपकी नहीं रुचि है तो जहाँ आपकी रुचि है वहाँ से आप श्रवण करें। नहीं, महिलाओं का उचित है या नहीं है, उचित तो है ये शास्त्र, मैंने आपको प्रमाण दे दिया ना, मैं जिस भागवत को गाती हूँ उस भागवत की लक्ष्मी जी वक्ता रही है, तो फिर इसमें तर्क का कोई विषय नहीं। अच्छा, माधव जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई, आपकी शादी कब हुई, इस बारे में कुछ बताएंगे? 2017 में हुई, और बस वो सब पूरा परिवार आपस में पहले से जुड़ा था, कथा में आना जाना सब परिवार का रहता था, और वैसे भी कहते सब ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है, तो बस परिवार को एक दूसरे की सहमति हुई, क्योंकि ये था एक भक्तिमय वातावरण चाहिए, क्योंकि हम सोचते कई बार लड़की है कैसे आगे कर पाएगी, अगर भागवत भी करनी है तो इस चीज़ का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो परिवार की एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी बस ठाकुर जी की कृपा से। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की कि आपने माधव जी से शादी की तो माधव जी मोमडन हैं, मतलब एक बहुत बड़ा प्रचार किया गया, एक दुष्प्रचार किया गया, वो गलत है ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये प्रचारित किया गया, तो ऐसा क्या सही है? ना मैंने उस समय इसका कोई विरोध किया और ना मैं आज करूँगी, कि जो लोग सत्य जानते हैं वो जानते हैं, वो एक ब्राह्मण परिवार से है, जो परिवार जो मुझसे जुड़ा है या जो मुझे वास्तविक रूप में जानता है उसको अच्छे से पता। रही बात दुष्प्रचार की, तो देखिए मैं अकेली नहीं हूँ इस संसार में, जब भगवान कृष्ण थे उनका भी लोगों ने दुष्प्रचार, गलत भावनाएं, शिशुपाल हुआ, दंतवक्र हुआ, तो ये तो चलती है। जब आप एक सामाजिक कार्य लेके चलते, अगर आप प्रसन्नता को सहर्ष स्वीकार करते हैं तो अपमान को भी आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, तभी आपको इस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। आप चाहे कि आपको बस प्रणाम ही प्रणाम मिले तो ऐसा नहीं होता, कुछ मीठा खाओ तो थोड़ा सा खट्टा भी खाना चाहिए। तो उस समय भी मैंने कोई इसका ज़्यादा अपने जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया, और आगे भी कोई भी विषय होता है, हाँ इतना निवेदन अवश्य है लोगों से कि सोशल मीडिया है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत तरीके से फैला दी जाती हैं, पहले आप उसकी सच्चाई जानिए और फिर उस पर विश्वास करें।
नहीं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब उनको, उनके लिए आपके? मैं बस इतना कहना चाहूँगी, समय बहुत कीमती है, थोड़ा फ़ोन से बाहर निकलिए, फ़ोन से बाहर भी एक जीवन होता है। शास्त्र कहते श्वास श्वास पर नाम भज, पर हम बस फ़ोन में लगे उल्टी सीधी बातों में, चर्चाओं में, गलत चीज़ों को आगे बढ़ाने में। तो अपने समय का सही उपयोग करिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भक्ति करना चाहते हैं, तो समय का सही उपयोग करें, ना कि इन सब गलत का। ये थी देवी चित्रलेखा जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान।